कपिल मिश्रा को और विदुरी जी को कि जल्दी आ जाए जी। इसको औकात का पता चल जाएगा। इस दिन से गतिरोध चल रहा है, सरकार मानने के मूड में नहीं है, क्या रास्ता? सन 47 और 71 के बांग्लादेश की लड़ाई के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई। हमने चौधरी साहब के भी आंदोलन को देखा, टिकैत साहब के आंदोलन को देखा, और भी बड़े बड़े किसान आंदोलन को मैंने हम लोगों ने देखा। हमारे यहाँ सहजानंद सरस्वती जी भी किसान आंदोलन, हमारे यहाँ हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, सरदार पटेल और गांधी, विनोबा भावे जैसे लोगों के इतिहास को भी पढ़ा है। लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी दो ताकतों पर, किसान और मजदूरों के मेहनतों पर आधारित है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 12,000 खुदरा बाज़ार जो है, जो हमारे लोग हैं 131 करोड़ जो खुदरा बाज़ार को डेवलप करता है, उस पर आधारित है। और पूरी दुनिया की निगाह हमारे उस बाज़ार पे है, जो 12,000 अरब का रिटेलर बाज़ार है। और किसान के माध्यम से उसकी मालकियत उसको चाहिए, किसानों की ज़मीन पर राइट चाहिए। किसान कुछ नहीं कहता, किसान सीधा है। किसान का कहना है कि हमें हर तरह की आज़ादी, हर बाज़ार में जाने की आज़ादी, आप कुछ मत करो, आप MSP को ही करना चाहते हो तो उसका आप कानून बना दो, मैं जहाँ जाऊँ उस कानून के तहत अपने फसल को बेचूँ। दूसरी एक बात बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है, गेहूँ और धान के अलावे MSP मुझको लगता है किसी चीज़ों पर लागू नहीं है, इसको समझिए। यदि मैं सब्जी पैदा करता हूँ तो वहाँ MSP खत्म हो जाती है। किसान के मेरा सीधा है कि किसान जितने फसल को उपजाती है MSP उस पर लागू होनी चाहिए, चाहे वो गोभी उपजाता हो, आलू उपजाता हो, गन्ना उपजाता हो, चाहे वो मक्का उपजाता हो, चाहे वो मखान उपजाता हो। एक सवाल, अब ये सरकार को समझ, आप बिहार से आते हैं, वहाँ कोई आंदोलन नहीं? किसने कह दिया भैया? आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बहुत खुश है किसान यहाँ। भैया पहले तो उसको समझ में नहीं, वो तो कहता है दलाल बैठे हैं, वो अपने फादर को भी दलाल कहता है, जो अपने बाप को दलाल कह सकता है वो, उससे आप उम्मीद मत करो। अभी अभी आप 7 दिनों तक वहाँ चला, लाठियाँ चली है, गवर्नर हाउस जब मार्च किए थे हम लोग तो वहाँ पर गोली चली है। किसान पहले आप इसको समझिए कि हिंदुस्तान में 85% बटेदार सीमांत किसान और दहियारी मजदूर है। बिहार में 92.3% सीमांत किसान बटेदार है, वहाँ किसान कम है। बिचौलिया खेत में ही उनकी अनाज खरीद लेता है और वो कमाने बाहर चले जाते हैं। तो आप इस रूप में मत देखो, वहाँ तो बाजार समिति भी नहीं बची, मंडी भी नहीं बचा, गोदाम भी नहीं है और कोऑपरेटिव सिस्टम भी समाप्त हो गई है। धान खरीदने को तैयार भैया, पैक्स पैक्स को तो ये पैसा ही नहीं देती है सरकार, और पैक्स को कह दिया है 30% ही तुमको किसान का वहाँ खरीदना है, 30 से ज़्यादा नहीं, तो 30% तो बिचौलिया का खरीदता है वो। तो ये आवाज़ आप किस बिहार पे मत जाइए। नील खेती की आंदोलन कहाँ से हुई थी, ये कोने से हुई थी, JP ने एक मूवमेंट कहाँ से शुरुआत किया था, जब उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। आज भारत का हर मंत्री कृषि मंत्री है जी। और हर मंत्री ट्वीट करता है कृषि के लिए, तो ये तो इनकी जीत हो गई और इन्होंने भारत के किसानों को आवाज़ दे दी। और ये लड़ाई सबसे ज़्यादा मुनाफा उत्तर पश्चिम की लड़ाई, पंजाब की लड़ाई, बिहार के किसानों को मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। जो हमारे तरफ उत्तर प्रदेश है उस किसानों को मिलेगी, उत्तर पश्चिम के किसानों की लड़ाई नहीं है ये भारत के किसानों की लड़ाई है। मोदी जी कह रहे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है वो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक जमीन। किसान पैदा करता है MLA MP को, प्रधानमंत्री को, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जो किसान साइक्लोन में, बाढ़ में, तूफान में, सुखाड़ में मुनाफा ना हो तब खेतों पर हो, धूप में, करकराती धूप में, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। वो जीना जानता है, वो मरना जानता है। जब वो आर पर मर सकता है, तूफान, साइक्लोन, बाढ़ और धूप में मर सकता है, तो मोदी जी की गोली से किसान नहीं डरता, मोदी जी नहीं तोड़ सकते। सर वो किसान ने तय किया हुआ है, किसान उनको कह चुका है कि हम तीनों कानून और MSP से नीचे, आप बिना कानून लाए कोई भी वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी, वो किसान तय करेंगे। हम किसानों के हर वार्ताओं के साथ पूरा बिहार, पूरा देश होगा। किसान का लीडर जो आज बैठे हुए हैं 28-32 हमारे जो अलग अलग संगठन के लीडर हैं, हमारे यहाँ राकेश टिकैत साहब से लेकर यहाँ कई संगठन के लोग हैं, सबसे बड़ी संगठन जो हमारे उत्तर पश्चिम के जो है किसान यूनियन, और उसके बाद जो है उसके बाद पंजाब और हरियाणा के जितने अलग अलग हैं, वो जो तय करेगा भारत के किसान उसके साथ।
सरकार कहती है कि मात्र पंजाब के किसान यहाँ बैठे हैं और जगह के किसान ही नहीं है। सर सरकार को कुछ समझ में नहीं आती है, वो पहले अकाली दल को समझा लेते, उनके जितने घटक हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। पहले अपने घटक दल को समझा लो और जो 32 दिन से बैठे हैं उनको समझा लो कि तुम किसान नहीं हो। यदि ये किसान नहीं है तो हम सरकार से बोलेंगे तोप लगाओ। कई सांसद सुनो ना, ठलुआ है जिनको कोई काम नहीं, आंदोलन में आ जाएगा। रमेश भिदुड़ी है, कपिल मिश्रा ने कहा कि रास्ता खाली करोगे या दो दिन में। रमेश भिदुड़ी टाइप के लोग जो, कौन बोला खाली करोगे खाली कराएंगे? कपिल मिश्रा है। देखो ना एक काम करिए ना, कपिल मिश्रा को और भिदुड़ी जी को किसान के तरफ से चुनौती दे दो कि जल्दी आ जाए, उसको औकात का पता चल जाएगा। वो NRC ना समझे इसको, इसको औकात का पता चल जाएगा कि राकेश टिकैत और हर किसान किसकी नाम है। एक बार कपिल मिश्रा को और रागनी तिवारी है, और रागनी तिवारी, अब मैं नाम नहीं लूंगा इस सब का, दिन में कुछ रात में कुछ, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये लोग क्या क्या कुकर्म करते हैं इन लोगों के बारे में मत बताओ। और कपिल मिश्रा का न सर न बथान, जिसका जुबान एक उसका बाप एक है, जिसका जुबान दो उसका बाप दो। अब मत साहब, एक सवाल आपने जो गोड़ा लाठी सरकार को दे रखी है, आप लगातार कहते हैं सरकार का दम नहीं फूल रहा। ये दे तो राखी गोड़ा लाठी सरकार का दम नहीं फूल रहा, 31 दिन हो गए। फिर फूल जाएगा लगता है कि रास्ता निकलेगा। तो नहीं चाहती है जिस तरह की सरकार, शाहीन बाग में 101 दिन तक प्रदर्शन चला, कुछ नहीं हुआ। वैसे शाहीन बाग का क्यों नाम लो, यहाँ पे तो किसान आंदोलन है। थकाना चाहती है ऐसा लग रहा है। किसान क्या थकान लग रहा है? किसान और किसान से ज्यादा जीतती ना सरकार, किसान थकान लग रहा, किसान इनका इलाज करके जाएगा। अभी जाने वाली 6 साल हो जाए,